हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ नेहा से। नेहा जो कि मेरी स्टूडेंट है एंड उन्होंने मेरा एडवांस 30 डेज कोर्स ज्वाइन किया था एंड उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किया था और मैंने उनके रिजल्ट भी शेयर किए यूट्यूब में। एंड अभी रिसेंटली लास्ट मंथ हमारा हीलर कोर्स कम्प्लीट हुआ। सो एज ए हीलर नेहा ने क्या रिजल्ट क्रिएट किया, क्या मैजिक क्रिएट किया, कितने सेशंस, कितने स्टूडेंट आए, उस सब हम सीखेंगे और हम फिर से नेहा से जानेंगे कि नेहा कैसे प्रैक्टिस करती है और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट करती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मीट नेहा। सो नेहा, हाय नेहा। हाय हेलो या नेहा, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया। हाँ ओके, जी, बताओ। सो नेहा, ऑलरेडी आपकी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आपके रिजल्ट्स है, बट फिर भी मैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग आपको, तो उनके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दो। ओके। तो मैं सबको पहले तो यही बताना चाहूंगी कि मैंने लक्ष्मी मैम को ज्वाइन किया था एक फ्री वेबिनार के थ्रू, जो इनके वेबिनार्स होते हैं, तो उससे मैं इनसे कनेक्ट हुई थी। देन आई ज्वाइंड हर एडवांस सेशन जो कि 30 डेज का था, और उसी सेशन के ड्यूरिंग मैंने इनसे पूछना शुरू कर दिया था कि मैम मैंने मुझे हीलर बनना है, मुझे हीलर बनना है। तो मतलब मेरे मन में तभी आ गया था कि मुझे हीलर बनना ही है, क्योंकि इतने अमेजिंग रिजल्ट ड्यूरिंग दैट सेशन ही क्रिएट होने शुरू हो गए थे, और कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि मुझे अब बन जाना चाहिए हीलर। बना तो मैंने मैम को ही बोला कि मुझे आपसे ही करना है कोर्स। तो हालांकि उस टाइम मैम ने अपना बोला कि मैं अभी हीलर कोर्स स्टार्ट करूंगी, देखते हैं अभी कैसे करते हैं। तो बट मैं उनके पीछे पड़ी रही कि मुझे करना ही है, करना ही, आपसे ही करना है। तो फाइनली आई ज्वाइन हर हीलिंग कोर्स, और काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा मुझे ज्वाइन करके। ओके। सो नेहा ने 30 डेज का कोर्स भी किया है, खुद को हील किया है एंड हीलर कोर्स भी किया है, आज वो खुद एक हीलर बन चुकी है। सो पहला चीज ये बताओ नेहा कि ये दो कोर्स आपने किया है, कंप्लीट करा है, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी, अभी आपकी लाइफ कैसी है, थोड़ा बस वो डिफरेंस बता दो। कि लाइफ में ऐसे था कि मतलब सेशन में आने से पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब वो तो आपको हाँ, फील बहुत रो ही रही होना कि थी। बहुत बिल्कुल ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं लाइफ में करना क्या है, मुझे इतना कंफ्यूजन था मुझे। और थोड़ा सा कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, कुछ ऐसा ही, मतलब मेन तो रिलेशनशिप ही था मेरा जिसको मुझे सही करना था। तो मुझे उसके लिए था कि, और साथ में मैं ओपन प्रेयर कर रही थी खुद से, प्रैक्टिस, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे उसका रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा था, है ना। तो फिर बस यही मुझे लगा कि मेरे को एक बार ज्वाइन करना चाहिए, किसी मेंटोर के अंडर मैं जाके करती हूँ इसको, क्योंकि सही ट्रैक एक मिल पर मिल जाए तो शायद वो चीजें मेरी करेक्ट हो जाए, क्योंकि इतने मैजिकल रिजल्ट में हर किसी से सुन रही थी, ओपन अपोनो का ये हो गया, वो हो गया, मैंने कहा मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे ही मैंने आपका एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैं कनेक्ट हुई, जब मैंने वेबिनार अटेंड करने के बाद तो सेशन में आई, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। मतलब सेशन के बीच में ही मेरे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो गया, जो मेरा पर्सन था वो भी आना शुरू हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा चलो वो तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा और भी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस, लाइक बिजनेस में और करियर वाइज भी मैंने काफी ग्रोथ किया, और भी रिलेशनशिप मेरे हील मैं कर पाई, लोगों को हील कर पा रही थी। तो इतने हाँ, ये मिराकुलस आपका रिजल्ट रिजल्ट जो बहुत मिले अच्छा ना। है, जहाँ पे हाँ, आपने वो थर्ड कैंसर पेशेंट को हील किया थर्ड था। स्टेज कैंसर को हाँ किया था, राइट और राइट, बाकी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, कभी मेरी फ्रेंड्स को कर रही थी, कभी हमारे स्ट्रीट डॉग्स को कर रही थी। हाँ, तो आपके रिजल्ट मैंने शेयर किया था, स्ट्रीट डॉग्स का हाँ, काफी अच्छा था। तो बस फिर उसी दिन से मैं पीछे पड़ी हुई थी मैम के कि मुझे कोर्स करना ही है, हीलर बनना ही है। बनना है अब। हाँ, तो फाइनली फिर अभी मैंने लाइफ ज्वाइन कर, कैसी है, मतलब ओवरऑल अगर एचआरसीएम आप बोलोगे तो अभी तो आप मेरी शक्ल से ही देख लोगे, सीरियसली बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, इतना पॉजिटिव मैं हुई हूँ। और मेन चीज अंदर से ना वो चीजें तंग नहीं करती है, फॉरगिवनेस अपने आप आ गई है अंदर, और
ठीक है, बहुत जल्दी हील भी हो रही हैं चीजें। अगर कुछ भी, अगर नेगेटिव सिचुएशन आती भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिचुएशन आती नहीं है, बट अब वो जल्दी जल्दी हील हो जाती है, हो जाता है। इतना टाइम नहीं लगता है उस चीजों पे। वेरी ट्रू, यस। और थॉट आने से पहले ही बस वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि चलो ठीक है, मैं बैठ के थोड़ी देर चैंटिंग करती हूँ, और जब उठती हूँ तो बस ठीक है, हो चुकी होती है वो चीज। सही, और इतना मैजिकल है ना सच में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैंने एडवांस कोर्स में अपनी हीलिंग की, तो मेरी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस बहुत हाई हुई है। मतलब एक अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं ना कि आपके एक यूनिवर्स के साथ होनी चाहिए, तो वो चीज मैं फील कर पाती हूँ इस चीज से कि हाँ सच में ये चीज हो रही है। क्योंकि मतलब लोग भी अब मेरे लिए, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको मेरे साथ रहना अच्छा लग रहा है ना, पॉजिटिविटी मतलब खुद ही पक्का हो मुझे रहा है। फीडबैक आके मिलते हैं। तो वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने पहले खुद को हील किया, खुद पे वर्क किया, मैं सेल्फ लव में आई, और आज भी मैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले और चीजों से इम्पोर्टेंट पहले मैं, मेरे लिए सेल्फ लव है सेल्फ लव। उस, तो पहले अच्छा, मैं तो वो कर। आपने, मतलब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि नेहा ने जो मेन चीज जिस पे काम किया है वो सेल्फ लव। सेल्फ लव में फोकस नेहा ने बहुत ज्यादा किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? जब हमने 30 डेज का सेशन शुरू किया तब हाँ से लेके अब तक आप प्रैक्टिस कर रही हो। ये एक चीज है कि आपका रिलेशनशिप इतना जल्दी हील हो, आपको इतना जल्दी रिजल्ट आया। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अपने करियर में भी, मतलब जो सब पेंडिंग चीजें थे वो सब अपॉर्चुनिटीज वापस आए आपके पास, राइट? जैसे आपने शेयर किया था, गवर्नमेंट जॉब जो होल्ड पे था वो वापस आ गया, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा था, आप हीलर बन चुकी, तो चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे। एंड जिस हाँ रिलेशनशिप के लिए आप ऑलमोस्ट डिप्रेस थी वो रिलेशनशिप तो आपने मैनिफेस्ट कर ही लिया है। तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब सब मैनिफेस्ट कर लिया आपने। और अभी आप लगी हो दूसरों की हेल्प करने, मतलब हाउ ब्यूटीफुल दिस जर्नी। आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, जहां से आपने खुद को हील किया, सेल्फ लव से स्टार्ट किया, रिलेशनशिप हील करना, अब आप दूसरों को हील कर रही हो, दूसरों की हेल्प कर रही हो, लाइक ऑसम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बोलूं मैं, आई आई एम आई एम फीलिंग लाइक प्राउड। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस तरीके से शुरू किया और जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर थे, बहुत सारे इमोशंस थे, और एक एक करके जब हमने वो रिलीज किया और फिर आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आया, मतलब तभी भी मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट करोगे इतना जल्दी, फिर आप हीलर भी बनोगी। एंड मुझे अभी ये जानना है कि एज ए हीलर आपकी जर्नी कैसी चल रही है, कहाँ से शुरू किया, कितने सेशन आपने किए, कितने लोग आए, और कैसा चल रहा है अभी, ये सब बताओ। जब मैंने ये हीलर कोर्स शुरू किया, तो बीच में ही जैसे आपने बोला था कि फैमिली और फ्रेंड्स के सेशन लेने स्टार्ट करो, तो मैंने साथ ही साथ अपना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे जो मैंने फ्री सेशंस लिए थे, 3 सेशंस लिए थे फैमिली और फ्रेंड्स के, काफी अच्छा था उसके अंदर। स्टार्टिंग में मतलब 7-8 लोग आ रहे थे मेरे हर सेशन में। उसके बाद फिर मैंने एक पब्लिक के लिए अनाउंस किया अपने यूट्यूब के तो पहले चैनल आपने के थ्रू। 3 सेशन लिया, 3 फैमिली फ्रेंड्स में। ओके हाँ, ओके फिर जब मुझे ठीक है, वहां से उनको भी रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, उनके लिए भी आपने ही गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो मैंने लिया। तो फिर मैंने एडवांस कोर्स अनाउंस किया, तो अभी मेरे एडवांस कोर्स में 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, और इतने अमेजिंग रिजल्ट रोज क्रिएट हो रहे हैं। अभी वो चल रहा है, आज उसका 25th डे है, 30 डेज का वाह मैंने अनाउंस किया वाह। था। तो आपने 3 बेसिक सेशन किया, उसके बाद 6 पेड स्टूडेंट आपके पास आए, राइट? 6 पेड स्टूडेंट, जी 25 डेज आपने कंप्लीट भी कर लिया एडवांस सेशन का, हाँ जी 30। हाँ जी, वाह, तो अभी वही लोग ही हैं जो बोल रहे हैं कि आपका नेक्स्ट एडवांस कब है, हमें और लोगों को भी करवाना है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स में इतना अच्छा लग रहा है, उनके इतने वाह। अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतने हेल्थ इश्यूज सबके सॉल्व हो रहे हैं, सब सेल्फ लव में आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल वाह, रहा है, और ये सब आपकी वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से पॉसिबल थैंक हुआ है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू टू। अगर मैं तो लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं तो सेशंस कर रही हूँ, मेरे भी सेशन चल रहे हैं, बट अगर तुम इनिशिएट नहीं कर रही, तुम ये नहीं सोचती कि मुझे हीलर बनना है, और मैं नहीं, मैं फिर अगर तुमको नहीं सिखाती और तुमको गाइड नहीं करती, आज तुम अलग से कितने लोगों की हेल्प कर रही हो, बिल्कुल आप बिल्कुल, और कनेक्ट हो रही हो। मेनली, हाँ बिल्कुल, और मेनली मनी से ज्यादा मतलब ये है कि जब लोग आके इतना ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, जब हील होके जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की। ट्रू, वेरी ट्रू।
हमारी वजह से किसी की स्माइल आ रही है फेस पे, हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो रहे हेल्थ हैं, इससे बड़ी इश्यूज बात फील हो कुछ रहे हैं. नहीं हो यस सकती। यस दैट्स मोर देन मनी, राइट? आई नो, आई एग्री. वाह, सो दिस अमेजिंग जर्नी फ्रॉम सेल्फ लव, फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम रिलेशनशिप इशू, नाउ यू आर लाइक अ म्यूजिशियन, जहां पे आपने सब मैनिफेस्ट खुद के लिए तो किया ही है, नाउ यू हेल्पिंग अदर पीपल. आपका एंड इतना अमेजिंग एज ए हीलर, आपने इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, दैट्स अमेजिंग. इवन आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि छह छह स्टूडेंट आपको फर्स्ट बैच में ही मिल जाएगा. दैट्स रियली अमेजिंग. एंड यू नो, ये आपका एफर्ट है, आपका फ्रीक्वेंसी इतना अच्छा फ्रीक्वेंसी है आपका कि आपने एक्चुअली ये अट्रैक्ट किया है, और ये एक रीजन है कि आप दूसरों को एक्चुअली हील कर पाती हो और लोगों को और अच्छा रिजल्ट्स मिलता है. ये आपका फ्रीक्वेंसी है, सो कीप प्रैक्टिसिंग. मैं तो बोलती हूँ आप हमेशा प्रैक्टिस करते, तो अपना फ्रीक्वेंसी वैसे बना के रखो. एंड बहुत अच्छा लगा ये रिजल्ट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की मैं जब रिजल्ट शेयर करती हूँ, उन्होंने मैजिक क्रिएट किया, होपोनोपोनो से ये हुआ वो हुआ, जैसे आपका भी हुआ, अपने स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट किया, थर्ड कैंसर पेशेंट को हील किया, स्ट्रीट डॉग्स को हील किया, ना जाने क्या क्या और किया आपने. हीलर एज ए हीलर, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो मैं अभी अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ जिनको मैंने हीलर बनाया, और उन्होंने एज ए हीलर इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, उनका खुद का बैच चालू हो गया. दैट्स ट्रूली अमेजिंग. मतलब आई एम फीलिंग सो प्राउड, इतना अच्छा लग रहा है मुझे. एंड यस, अगर कोई सोचता है कि कैसे करे, कई सारे सवाल आप लाते हो दिमाग में कि कैसे करे, करना चाहिए कि नहीं, जब नेहा ने डिसीजन लिया कि मुझे करना है, नेहा ने ना डाउट किया था ना कोई सवाल क्रिएट कर रहा था किया था, उसकी वजह से आज वो यहाँ पे है. जब आप डाउट नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, एंड देन यू टेक अ डिसीजन, 100% यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, एंड शी इज द प्रूफ. सो यस नेहा, लास्ट एक सवाल है, आपके स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है, उसमें से एक या दो ऐसा कोई रिजल्ट जो बहुत काफी अच्छा रिजल्ट है, बड़ा कुछ मैजिक हुआ, ऐसा कुछ है यू कैन शेयर विद अस, आपके स्टूडेंट्स के रिजल्ट? हाँ, उसमें से जैसे एक तो था कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए हीलिंग की थी, एक पर्सन ने उनके किडनी और डेंगू के लिए, मतलब उन्होंने मुझे भी बोला था करने के लिए उनके लिए प्रेयर, वो खुद भी कर रही थी, तो वो इतना अमेजिंग रिजल्ट था। मतलब सेम ही इश्यू की वजह से उनके जो हस्बैंड के कलीग हैं उनकी मदर की डेथ हो गई थी सेम इश्यू से, और उनकी जिनके लिए उन्होंने हीलिंग हमसे करवाई, मुझसे करवाई और खुद भी की मेरे साथ सेशन में बैठ के, वो लेडी कंप्लीटली इस टाइम सही हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो हाँ, इतना अमेजिंग था रिजल्ट, मैं क्या बताऊं। और इसके अलावा एक और मैं शेयर खुद से ही करना चाहूंगी, यस, मेरी एक और स्टूडेंट है, उसमें उन्होंने उनका प्ले स्कूल है खुद का, तो उनको पहले ना एडमिशंस नहीं आ रहे थे, बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, अभी वो कह रही है कितने मैजिक हो रहे हैं, अपने आप से ही आ रहे हैं और वाह, कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप ही लोग आने शुरू हो गए हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके स्कूल में, तो ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट वाह है। वाह, अमेजिंग. दैट्स अगेन, दैट्स योर फ्रीक्वेंसी. यू ट्रस्टेड मी, यू ट्रस्टेड यूनिवर्स, आपने प्रोसेस पे ट्रस्ट किया, एंड देखो लोग आप पे ट्रस्ट करके आपके पास आए फर्स्ट टाइम, दिस इज योर फर्स्ट बैच, बट ऑल दोस पीपल दे ट्रस्टेड यू, ये आपका फ्रीक्वेंसी. आपने ट्रस्ट किया मुझ पे, इसलिए लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पता है, इट्स ऑल रिफ्लेक्शन. तो इसलिए इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं. और इतना एक और सवाल जो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा हीलर कोर्स करेंगे तो? मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया, नहीं दिया? क्या आपके स्टूडेंट ने आपको पूछा कि मैम आपके पास कोई सर्टिफिकेट है हीलर का? नहीं पूछा ना? नहीं अगेन दैट्स अ रिफ्लेक्शन, जरूरत नहीं है. आई नो, मैंने भी जब शुरू किया तब मेरे पास भी सर्टिफिकेट नहीं था. मतलब ये मैंने इसलिए बोला कि काफी लोग को डाउट है कि सर्टिफिकेट शायद जरूरी है बहुत, नहीं ऐसा कुछ नहीं. आपका फ्रीक्वेंसी जैसा होगा वैसे सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे आपके लाइफ में, दैट्स द बिल्कुल फैक्ट. बिल्कुल वही है कि अब जिन लोगों ने भी हीलर अगर बनना भी है ना, कोर्स करना है, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल इसी ट्रैक से चलें, पहले खुद को हील करें, एडवांस सेशन में खुद को हील करें, खुद पे वर्क करें, जब सेल्फ लव बढ़ेगा ना, देखना आप तभी दूसरे लोगों को हील कर पाओगे, दूसरों को सेल्फ लव में ला पाओगे, क्योंकि वही बात है कि हमारा रिफ्लेक्शन ही आता है ना, अगर हम सेल्फ लव में है तभी हम लोगों को कर पाएंगे मोटिवेट, अदरवाइज डॉक्टर के पास हम किस लिए जाते हैं ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि यस वो खुद सही होता है, इसलिए यस तो
इसलिए हमको पहले हील होना पड़ेगा, तभी हम सेल्फ कर हीलिंग पाएंगे। इम्पोर्टेंट है, राइट, वेरी बिल्कुल ट्रू. थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर ऑल योर रिजन, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग. हमेशा की तरह आप बस हमें इंस्पायर करती हो. आपको मुझे मुझे पता है मेरे काफी स्टूडेंट है जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, मतलब आप इतनी फेमस हो गई हो भी काफी रिजल्ट्स क्रिएट किए. एंड मैं चाहती हूँ कि सब लोग, अगर आप इंस्पायर हो रहे हो तो कीप प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि वही एक चीज है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा. उससे पहले सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ना. ओके, सो आई थिंक मैंने सब पूछ लिया. मुझे जानना था कि एज ए हीलर आपने क्या क्या मैजिक क्रिएट, एंड आई होप कि हम फिर से मिलेंगे और आप और भी सारे काफी सारे मैजिक हमारे साथ शेयर करोगे, एंड आई होप पीपल विल लव दैट. सो एनीथिंग एल्स नेहा जो आप बोलना चाहते हो, एनीथिंग एल्स कुछ और है जो आप शेयर करना चाहते हो? बस मैं अब आपको एंड में तो थैंक यू ही बोलना चाहूंगी कि आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है। सच में रियली ग्रेटफुल टू यू। इससे बेस्ट गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं होगा यूनिवर्स का कि आपसे मिलवाया और बस लाइफ टाइम ऑलवेज आपके ऑलवेज, आई एम ऑलवेज देयर. सो थैंक यू सो साथ मच, थैंक यू, दिस इज अ गिफ्ट फॉर जोड़े मी ऑल्सो. लाइक आई ऑलवेज से कि 2022 इज द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, आई बिलीव दैट. एंड आपने जैसे बोला इट्स द बेस्ट गिफ्ट, अगर आपका 2022 बेस्ट था तो मेरे लिए 100% वो बेस्ट ही था, क्योंकि मुझे आप लोग मिले तो ये मेरे लिए गिफ्ट है 2022. और 2022 डेफिनेटली मेरे लिए बेस्ट था, और अब जो 2023 आने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है. एंड मुझे वो इंट्यूशन आता है, मुझे वो फील होता है. तो वी ऑल आर गोइंग टू क्रिएट मतलब मेनी मोर मैजिक नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, राइट? सो यस, लेट्स मैनिफेस्ट एंड कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग नेहा, और कीप क्रिएटिंग मैजिक, और हमारे साथ शेयर करो. एंड ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय। थैंक यू नेहा, टेक केयर, बाय बाय.